जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं और किसानों को कई सौगातें दे रहे हैं, लेकिन इन दिनों उन्हीं के नुमाइंदे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आम उपभोक्ताओं के ऊपर दबाव बनाकर कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। 14 मार्च को पोलाय कला विद्युत मंडल के द्वारा ग्राम देवली मोटा के बड़ी खाटसूर सहित 24 गांवों के ऊपर कृषि व घरेलू बिल के 4,50,00,000 रुपए बकाया राशि होने के कारण विद्युत मंडल ने इन ग्रामीण क्षेत्रों में घर जाकर विद्युत बिल बकाया के एवज में वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की और उन्हें पोलाय कला कार्यालय पर रखा गया। अगर उपभोक्ता ने बिल जमा नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विद्युत मंडल को ये नहीं पता है कि किसानों के पास में अभी फसल नहीं आई है और आम उपभोक्ता कोरोना महामारी में व्यवसाय का लाभ नहीं ले पाया है। तो वहीं पोलाय कला विद्युत मंडल कनिष्ठ यंत्री संजय वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उपभोक्ता बिल नहीं जमा कर रहे हैं और मार्च का महीना है, हमें वसूली करके देना है। हम तो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का केवल पालन कर रहे हैं। तो उपभोक्ताओं के ऊपर कार्रवाई तो जारी है, कोई जवाब नहीं करता है। 10,000 कब तक चलेगी सर कार्रवाई? मार्च तक, पूरे महीने। पोलाय कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।